आराम से हाथ से बेटा। ठीक है, सहारे की जरूरत नहीं, मुझे रहने दो। राशिद ये दवाइयाँ साथ ले जाओ बेटा, ऐसी उसको दर्द हो रहा होगा ना, इसलिए जरा परेशान है। तुम बताओ नई गाड़ी पसंद आई कि नहीं? हाँ, मुझे अब्दुल्ला ने वीडियो कॉल पे दिखाई थी। जिस दिन तुम एहसान के घर रुकी थी ना, उस दिन आ गई थी गाड़ी। अच्छा देखो बेटा, ये तो तुम्हें कभी नहीं कहेगा, डॉक्टर ने कहा है ना 10 दिन बहुत एहतियात करना पड़ेगा ताकि जख्म भर जाए, तुम उसका ख्याल रखना। हाँ आप परेशान ना हो, शाबाश। मैं देख लेती हूँ। हाँ वैसे तो कॉफी का वक्त है, लेकिन आज से सिर्फ हेल्दी डाइट। कॉफी सिर्फ सुबह मिलेगी और जो मील प्लान मैं बनाकर दूंगी वो फॉलो करना पड़ेगा। हर बात मेरी माननी पड़ेगी। मानूंगा तो तब जब तुम यहां रहोगी। मारिया तुम जा सकती हो, राशिद तुम्हें मामू के घर छोड़ आएगा। जितनी जल्दी तुम अपना सामान पैक करोगे उतनी जल्दी यहां से जा सकोगे। ये क्या कह रहे हैं आप? दुलाई मेरा मेरा घर है, मैं यहां से क्यों जाऊंगी? तुम्हारा घर वही है जहां तुम्हारी मोहब्बत है। 2 दिन लगे मुझे इस बात को मानने के लिए, लेकिन अब मैंने फाइनली इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। हॉस्पिटल में गुजारी 2 रातों की तन्हाई ने मुझे एक बात तो साफ साफ बता दी है, तन्हाई बेवफाई से लाख गुना बेहतर है। मैं बेवफा नहीं हूं। तुम बेवफा नहीं हो, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम क्या हो और तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। आ जाओ दुल्ला, अब तो